हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा ईश्वर का और हमारी कंपनी मैनेजमेंट, इसके अलावा MD NCO डॉक्टर संजीव सर, हमारे को डायरेक्टर मिस्टर मामचंद सर, कंपनी के टॉप रैंक अचीवर रॉयल एम्बेसडर मिस्टर रामीश सर, एम्बेसडर लीडर मिस्टर दिलीप सिंह राठौर सर और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने आज मुझे आप सभी लोगों के बीच में ये स्टेज शेयर करने का मौका दिया। और इस मंच से आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी एक्चुअली क्या है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या करते हैं। लोगों को लगता है कि हम दवाइयाँ बनाते हैं। सॉरी प्लीज, नहीं, हम दवाइयाँ नहीं बनाते। वी आर द वेलनेस कंपनी इंस्पायर्ड बाई आयुर्वेदा। हम अपने आप को आयुर्वेद से प्रेरित करके एक वेलनेस यानी क्वालिटी वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और वेलनेस की अगर मैं बात करूं तो फाइटर, आज दुनिया भी यही बोल रहा है और भारत में तो पता ही है कि आने वाला जो समय है, आने वाली जो इंडस्ट्री है वो वेलनेस की इंडस्ट्री है। और अगर बात की जाए तो दोस्तों, आज वो समय आ चुका है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो आज वो समय आ चुका है कि हमें बीमारी को छोड़ के स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब हमें वेलनेस पे बात करनी पड़ेगी। और वेलनेस का देखिए मतलब होता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर होना चाहिए। और बीमारी का मतलब तो देखिए आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। प्लीज नेक्स्ट। बीमारी का मतलब आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ, आपके शरीर में कोई गड़बड़ी हो जाना, शुगर, मोटापा, गठिया, आर्थराइटिस, तरह तरह की बीमारियां हो जाना, इसको हम लोग बीमारी बोलते हैं, इलनेस बोलते हैं, जो आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, क्या हमारे भारत के लोग स्वस्थ हैं या नहीं है? और इसका जवाब आपको मैं थोड़ी देर में दे के यहाँ से जाऊँगा। प्लीज नेक्स्ट। अगर मैं बात करूँ तो आज आप कैंसर के आंकड़े देख लीजिए। भारत में लगभग 2025 तक 3 करोड़ लोग कैंसर से ग्रसित होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी समस्या, हार्ट की समस्या, आपको मैं बता दूं कि भारत में 4 व्यक्ति अगर मरता है तो उसमें से 1 व्यक्ति हार्ट की समस्या से मरता है। और आज 2016 तक उसके आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में लगभग 5.5 करोड़ मरीज केवल एंड केवल हार्ट की समस्या से, और ये आंकड़े बढ़े जाएंगे। तीसरी हमारी सबसे बड़ी समस्या, उसका नाम है मोटापा। 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मोटापा से ग्रसित है। पांचवी, चौथी समस्या अगर मैं बात करूं तो आज भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2,20,000 प्रतिवर्ष किडनी के नए मरीज ऐड होते जा रहे हैं। और शुगर ने भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा हुआ है। अगर मैं शुगर की बात करूं, डायबिटीज की बात करूं, तो भारत में लगभग 2021 तक 10 करोड़ लोग शुगर से प्रभावित हो चुके हैं। और आपको बता दूं, लगभग 13 करोड़ के आसपास प्री डायबिटिक स्टेज में है, मतलब अब वो शुगर वाले बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, कुछ गड़बड़ी करा सीधे डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आज आंकड़े बता रहे हैं। और ये समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे घरों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। आप कैंसर के बारे में आपको पता चलता है जब वो तीसरे चौथे स्टेज पे चल जाता है। हार्ट की समस्या तो ऐसी है, वही है, कोई आपका समझिए कि जिम पे एक्सरसाइज कर रहा है वहीं हार्ट अटैक आ गया, कहानी खत्म। कोई स्टेज पे अपना डांस कर रहा है, गीत गा रहा है, वहीं कहानी खत्म हो जा रही है। रात को सो रहा है, सुबह उठ नहीं पा रहा, दैट इज हार्ट अटैक। मोटापा जो है सारी बीमारियों की जड़। और किडनी की समस्या आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति की जीवन कैसी होगी कि अगर रोज उसको मशीन से अपने ब्लड को साफ करना पड़ जाए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका शुगर जो धीरे धीरे आपकी जान ले रहा है। अब मुद्दा ये है कि ये समस्या हमारे बीच में क्यों आ रही है। प्लीज नेक्स्ट। ये समस्या हमारे बीच में क्यों आ रही है, इसके कुछ कारणों को समझे तो आज से हम लोग 50-100 साल पीछे चलते हैं। तो आज जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत खराब सा हो गया है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है। और अगर हम 50 साल पीछे चले, प्लीज नेक्स्ट, 50 साल पीछे चले तो आप ये पाएंगे कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, पुरानी लाइफ स्टाइल जो थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। लोगों के पास ज़्यादा समय था, सही खाना खाते थे, पीते थे, मौज मस्ती एकदम बिल्कुल सही रहते थे। और 100 साल 90 साल तो बिल्कुल आराम से जी जाते थे और उनको पता ही नहीं चलता था। बुढ़ापा बड़े कम समय का होता था, मतलब जिंदगी लंबी होती थी और बुढ़ापा थोड़ा कम समय का होता था।
और पहले जो बीमारियां होती थी, प्लीज नेक्स्ट, पहले जो बीमारियां होती थी वो बीमारियां भी छोटे छोटे जीवों से हुआ करती थी। जैसे आपने चेचक सुना होगा, मलेरिया सुना होगा, टाइफाइड सुना होगा, ये बीमारियां ज़्यादा हुआ करती थी। और आंकड़े भी शायद यही बता रहे हैं। अगर आपको मैं बता दूं कि 90 के दशक में छोटे जीवों से जो बीमारियां हुआ करती थी लगभग 60% हुआ करती थी, और 2016 आते आते ये बीमारियों की संख्या लगभग 30% पे आ गई। तो कहीं ना कहीं उन बीमारियों का जगह किसी दूसरी बीमारियों ने लिया है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। प्लीज नेक्स्ट। अब हम लोग अगर आज की लाइफस्टाइल को देखें, आज हमारी ये जीवन शैली है जो बिल्कुल खाना पीने का हमें कुछ पता नहीं है, हम लोग फास्ट फूड खाते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं। आज 40 साल भी अगर हम जी लें सही से तो हमें लगता है बहुत बढ़िया जी लिया, बहुत अच्छा जी लिया। और बुढ़ापा का नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापा अब तो दवाइयों पर चल रहा है। तो ये जो न्यू लाइफस्टाइल है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज़ नेक्स्ट। तो आज आपका जरा तरीका देख लीजिए, खाने का तरीका आप देखिए कि केमिकल फर्टिलाइजर हमारे बॉडी में जा ही रहा है। इसके बाद अगर आप देखिए खाने पकाने का तरीका, एयर फ्राई, माइक्रोवेव, वो हम यूज़ करते हैं। अगर आप जंक फूड की बात करें तो भारत का कोई भी 3-4 साल का बच्चा, उससे पूछ लीजिए भाई क्या खाना पसंद है, वो खीर नहीं बोलने वाला, वो बोलेगा बर्गर, पिज्ज़ा, आपका चाउमीन, आइसक्रीम, यही सारी चीज़ें वो बोलने वाला है। और इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी की तो कोई बात मत करिए। आज हमारे सामने समस्या हो गई है कि जो खाना हम अपने शरीर को चलाने के लिए खा रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है कि वो खाना धीरे धीरे हमारे लिए जहर बन गया है। और हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि यार खाएं, अगर खाते हैं तो भी मर रहे हैं, ना खाएं तो भी मर जाएंगे। तो उसका सलूशन जो है वो मैं आपको थोड़ी देर में देके जाऊंगा। प्लीज नेक्स्ट सर। अब अभी मैंने आपको कुछ बीमारियों के नाम लिए, आपको अगर मैं बात करूँ तो ये बीमारियों से हमें क्या चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। और थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं भाई, आज समय आ चुका है जो हमें इन बीमारियों से थोड़ी बहुत डरने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले देखते हैं शुगर। शुगर के आंकड़े मैंने पीछे भी आपको बताएं, जस्ट छोटा सा हिंट, 2019 से और 21 के बीच में मात्र दो साल में 3 करोड़ शुगर के मरीज आ चुके हैं। और 2007 की अगर मैं बात करूं तो 2007 में 4 करोड़, 2017 में लगभग 7 करोड़, और 2021 आते आते ये 10 करोड़ हो गया है। और आई एम डैम श्योर कि 2025 आते आते ये लगभग 15 करोड़ के ऊपर जाने वाला है, 100%। आप केवल आंकड़े देख लीजिए, ग्राफ कभी भी नीचे नहीं जा रहा, मतलब बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। दूसरी समस्या, प्लीज नेक्स्ट। दूसरी समस्या जो है हमारे हार्ट की समस्या, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। हमारे गांव के भाई बंधु लोग लगता है उनको कि हम तो बड़े स्वस्थ हैं, शहर वाले ही केवल बीमार करते हैं। आपको मैं बता दूं, हार्ट की समस्या गांव में 1% से बढ़ के लगभग 7% हो गई है। शहर वाले तो कोई पीछे रहेंगे नहीं, उनमें तो 1% से 13% हो गई है। और आंकड़े 90 के दशक में मैं बात करूँ तो हार्ट की समस्या 2.5 करोड़ हुआ करती थी, और आज 2016 के बाद से लगभग 5.5 करोड़ से ऊपर, मतलब 5.5 CR से ऊपर। उसके बाद तीसरी समस्या पे बात करेंगे। तीसरी जो हमारी समस्या, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज नेक्स्ट। तीसरी जो है ये हमारा मोटापा। मोटापा की अगर मैं बात करूँ तो फाइटर आज आप देख लीजिए कि मोटापा भी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि प्रति 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मोटापा का शिकार है। और अगर आप आंकड़े देखें तो लगभग 90 के दशक में 2%, आप देख लीजिए छोटा ग्राफ, 90 के दशक में ओनली 2%, 2012 आते आते 17%, एंड देन अभी 2021-22-23 में अगर बात करें तो 22% के आसपास हो चुका है मोटापा। के बाद प्लीज नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट समस्या की बात करूं, दैट इज गठिया। आप लोगों ने गठिया, जॉइंट की समस्या, आर्थराइटिस का नाम बिल्कुल सुना ही सुना होगा। और सबसे ज़्यादा ये समस्या हमारे महिलाओं को प्रभावित करता है। 90 के दशक में गठिया की अगर मैं बात करूं तो वो 2 करोड़ के आसपास था, और आज अगर मैं 2019-20 के बाद की बात करूं तो लगभग 6.5 करोड़। आप देख लीजिए ये समस्या भी बढ़ती ही जा रही है। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। अगली समस्या की अगर मैं बात करूं तो हमारी अगली समस्या जो है अस्थमा। अस्थमा जो अभी सर मनोज यादव सर बोल के गए हैं अस्थमा के बारे में कि अस्थमा का पंप नहीं छूटेगा। दोस्तों अस्थमा मतलब हमारे फेफड़े ठीक से काम नहीं करते, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। और अस्थमा के आंकड़े आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में जितने भी लोग अस्थमा से मरते हैं उसका 42% हिस्सा हमारे भारत के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब 42% भारतीय लोग होते हैं। तो मतलब ये सीधा है कि अब
हमें इन बीमारियों से चिंता करने की आवश्यकता है। तो चिंता करने की आवश्यकता है तो हमें बचाव भी जरूरी है कि मतलब हम कैसे बचे, तो इसका जो है थोड़ा बहुत सलूशन मैं आपको दे के जाऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्यों होता है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, देखिए सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जो भोजन हमें चाहिए होता है, यानी हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें चाहिए, वो भी शुद्ध मात्रा में, सही मात्रा में। लेकिन आज वो अपने शरीर को नहीं दे पाते हैं और उसके जगह पे हमारे शरीर को क्या मिल रहा है, हमारे शरीर को मिलता है प्रोसेस फूड, पैकेट आइटम, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, को आपका एल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। चलिए मैं एक सेकंड के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि आप अपने खेतों से बिल्कुल सही अनाज उगा के खाते हैं, मतलब आपने खाना सही कर लिया। लेकिन प्लीज नेक्स्ट, अगली अगर कारण को आप देखेंगे, ये जो टॉक्सिन्स है, आप सभी दिल्ली में दूर दूर से आए हैं और प्रदूषण का थोड़ा बहुत फ्लेवर आपने ले ही लिया होगा, थोड़ा बहुत प्रदूषण का आपने स्वाद जरूर चखा है, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप देख लीजिए कि हमारे खाने में जो मिलावट होता है उसको हम जो है अकेले कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि हम फलों को पकाने के लिए कार्बाइड यूज़ करते हैं, मतलब केमिकल हमारे बॉडी में जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पेस्टिसाइड, यहाँ पे बैठा हुआ हर किसान पता है कि खेतों को कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड डालना ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो हमारे बॉडी में भी तो जाएगा, उसको तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रेडिएशन, आपके सभी के हाथों में चलता फिरता रेडिएशन घूम रहा है। कई बार क्या हमारी आदत बन गई, हम अपने सर के पास रख के सोते हैं, पूरे दिन भर रेडिएशन से ग्रसित रहते हैं, और यही कारण है कि आप देख लीजिए आप लोगों को मानसिक बीमारियां कितनी ज़्यादा हो रही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रिजर्वेटिव इन फूड, जितने भी खाने हैं सबको हम प्रिजर्व करके रखने का आज प्रयास कर रहे हैं, प्लीज़ देखिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने स्वास्थ्य को वापस कैसे पाएं। देखिए केवल एकमात्र तरीका है, अगर हम अपने स्वास्थ्य को वापस पाना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर को जानना पड़ेगा, बीमारियों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो आज मैं आपको समझाने यहाँ पे आया हूँ। अब हम बचाव की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं बचाव की बात करूँ तो देखिए बचाव का कुछ फॉर्मूला आपको पता है, बहुत ज़्यादा नया नहीं है। इसमें सबसे पहला है कि आपको संतुलित आहार की ज़रूरत है, अच्छा खाना खाइए। उसके बाद ज़रूरी होता है कि थोड़ा बहुत शरीर को हम लोग एक्टिवेट कर लें, एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी की चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि समय से पहले शरीर का थोड़ा बहुत चेकअप ज़रूरी है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि हमें वेलनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना पड़ेगा। नेचुरल तरीका क्या है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। नेचुरल तरीके की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेलनेस इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए वेलनेस इम्पॉर्टेंट क्यों है आपको मैं सरल शब्दों में समझा देता हूँ। आप लोग चाहे 1 लाख की गाड़ी लाइए, चाहे 100 करोड़ की गाड़ी लाइए, चाहे 5 करोड़ की गाड़ी लाओ, चाहे 50 करोड़ की, चाहे अरबों की, जेट प्लेन कुछ भी ले आओ, सभी इंजन गाड़ी जिनकी भी चीज़ें हैं उनको सर्विस करना पड़ता है। बिना सर्विस के कोई भी गाड़ी आपका माइलेज नहीं देती है, उसकी सर्विसिंग ज़रूरी है। लेकिन आज हमारा ये शरीर खरबों से ऊपर है, इसकी कोई कीमत नहीं है, हम इसकी सर्विसिंग नहीं कर पाते, हमें नहीं पता कि इसकी सर्विसिंग करनी चाहिए। आपको बता दूं कि इसकी सर्विसिंग सबसे ज़रूरी है, टाइम टाइम पे ब्लड का साफ रखना, बॉडी की पाचन क्रिया अच्छी रखना, कोलेस्ट्रॉल कम रखना, ये सारी आज हमारी ज़रूरत है और इसीलिए वेलनेस इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ देखिए अगर हमें शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसका नेचुरल तरीका क्या है। नेचुरल तरीका आपको पता है कि 7 घंटे सोते हैं, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे तो नींद नहीं आती, भाई तनाव इतना रहेगा नींद कैसे आएगी, तो मतलब क्वालिटी स्लीप ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको पानी पूरे दिन भर पीना चाहिए, लोगों को पता नहीं है कि हमें पूरे दिन कितना पानी पीना चाहिए, हम पूरे दिन की पानी जो वाटर है उसकी क्वांटिटी को हम कम्प्लीटली नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फाइटर योगा मेडिटेशन, जो आज हमारी सरकार भी उस पर बहुत ज़्यादा बल दे रही है कि हाँ भाई योगा अपनाओ। और उसके बाद हर्बल रेमेडीज, आप किसी का काढ़ा मत खरीदिए, आप अपने घर में बना तो लीजिए, मेथी का काढ़ा बना लीजिए, अर्जुन छाल बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए भाई, लेकिन बना के पीजिए, वो हमसे नहीं हो पा रहा है। और नहीं हो पा रहा है तो फाइटर्स क्लेपेस वेलनेस है, उनके पास काढ़ा बहुत सारा ले लीजिए, बट स्वस्थ रखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अभी बताने वाला, प्लीज लिसन इट केयरफुली, मार्केट में जब जाओगे ना यही पूछने वाले हैं कि आज जो हमारा कन्वेंशनल मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं एलोपैथी, उसके साथ आपका ये प्रोडक्ट हर्बल सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। मैं आपको 3 कारण देता हूँ।
हर्बल सप्लीमेंट आज इसलिए जरूरी है क्योंकि बीमारियों की जड़ पे काम करता है, रूट कॉज पे काम करता है। नंबर टू, ये किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देने वाला, और आपने किसी भी मेडिसिन के साथ अगर इसको अप्लाई किया है, आपने इसको साथ में रखा है, तो डेफिनेटली आपकी जो समस्या है थोड़ी जल्दी सही हो जाएगी। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। हमारा क्या सलूशन है, आपने अभी देख ही लिया कि इतनी सारी बीमारियां हैं, मैंने आपको सारी समस्या बता दी, अब समस्या बताइए तो उसका समाधान देना जरूरी है। तो समाधान ये है कि दोस्तों, एज एस्केपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग 5000 साल पुरानी आयुर्वेद की पद्धतियों पे जो आधारित सिद्धांत हैं, जो हर्ब्स हैं, उनके द्वारा एक क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो आपकी समस्याओं को बेटर रखने में, आपकी समस्याओं को दूर रखने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। और अब बारी है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है, दैट इज ऑनेस्टी इम्यूनिटी। देखो, इम्यूनिटी को आप सिंपल समझ लीजिए, इम्यूनिटी का मतलब होता है आपके शरीर को बीमारियों से बचाने की क्षमता, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। और आपके शरीर की अगर इम्यूनिटी सही है, कोई बीमारी गलती से आपके शरीर में दाखिल नहीं कर सकती है। चलिए मान लीजिए दाखिल कर भी गई, तो शरीर इतना सक्षम होगा कि आपको, आपके शरीर को उस बीमारियों से सही कर पाए, आपकी आपके आपके शरीर को स्वस्थ रख पाए। ये हमारा इम्यूनिटी होता है। और अपने पास इम्यूनिटी के कई सारे प्रोडक्ट हैं। सबसे बेटर प्रोडक्ट है हमारा इम्यूनोडॉक रस, ये आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। इम्यूनोडॉक रस के बाद दूसरा प्रोडक्ट है फ्रास्टॉक अवले, ये आपका, आपने देखा होगा लोग ठंडी में चौन फ्रास्ट वगैरह खाते हैं, ये वही सेम आपका फ्रास्टॉक अवले। और तुलसी जो होता है, तुलसी छोटा सा है, छोटा बम बड़ा धमाका, अभी थोड़ी देर बाद उसको बताता हूँ कि तुलसी क्या करने वाला है। प्लीज नेक्स्ट। उसके बाद आपने देख ही लिया कि शुगर आज हमारे लिए कितना बड़ा समस्या बन के आ गया है, शुगर कितनी बड़ी समस्या हमारे लिए हो चुकी है, कितनी बड़ी चुनौती है। तो शुगर को कंट्रोल रखने के लिए अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। एक बार शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि डायबिटीज क्या होता है। देखिए, आप लोग जो खाना खाते हैं, खाना पचने के बाद आपके शरीर में जो है ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज आपके ब्लड में अचानक बढ़ जाता है। हमारे शरीर में क्या होता है, इंसुलिन नाम का हॉर्मोन्स होता है जो आपके बढ़े हुए ग्लूकोज को कंट्रोल कर लेता है। और जब ये सिस्टम बिल्कुल संतुलन में रहता है तो कोई बीमारी नहीं है, कोई शुगर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल बिगड़ती जाती है, खान पान बिगड़ता जाता है, आपका इंसुलिन हॉर्मोन डिस्टर्ब हो जाता है और वही ग्लूकोज आपके ब्लड में लगातार बढ़ता जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपने पास है डाइगोडॉक रस, जो कि करेला वगैरह के साथ मिलकर बनता है, आपके शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर को और बढ़िया रखना है तो डाइगोडॉक के साथ अगर हमने क्लोरोडॉक को ऐड कर लिया, क्लोरोडॉक, इसका नाम क्लोरोडॉक क्यों पड़ा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हरे पत्तों से बनता है और हरे पत्तों में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है फाइटली आपके शुगर को नॉर्मल कर लेता है। तो ये दो प्रोडक्ट आपके शुगर को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है, ज्वाइंट की समस्या। और ज्वाइंट की समस्या आपने देख लिया है महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है और पुरुषों में भी है, ऐसा नहीं कि पुरुषों में नहीं है, पुरुषों में भी है। तो ज्वाइंट से जुड़ी जो समस्याएं होती, जिसको आप आम भाषा में गठिया बोलते हैं, उसके लिए अपने पास है ऑर्थोडॉक, जो आपकी पाचन क्रिया को सुधार के आपके टॉक्सिन को कम करता है और ज्वाइंट के आसपास जो कार्टिलेज होते हैं उसको रिपेयर करके आपकी ज्वाइंट की समस्या को दूर करता है। ऑर्थोडॉक के साथ कई बार हमारे कह लीजिए कि बॉडी में थोड़ी सूजन हो जाती है, चोट मोच दर्द वही सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक देसी ऑयल बनाया है, मतलब तेल बनाया है, थोड़ा सा जो भी चोट मोच दर्द सूजन होता है उस पर अगर लगाया जाए तो हमारी जो दर्द वगैरह होती है वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। अगली समस्या अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर की सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा वो होता है हमारा लिवर। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई ज़्यादा अल्कोहल पियोगे तुम्हारा लिवर ख़राब, और आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति का लिवर ख़राब होगा फिर उस व्यक्ति का कोई ज़िंदगी नहीं बचने वाला, क्योंकि लिवर ख़राब मतलब सब खराब। लिवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और आजकल लिवर की समस्या क्या है, लिवर में सूजन बढ़ जाता है, लिवर के ऊपर चर्बी आ जाती है, लिवर बढ़ने की समस्या, ये सारी लिवर की समस्याएं आज सॉल्व हो सकती है। उसके लिए हमारे पास लिवोडॉक रस है जो आपके लिवर को हेल्दी बनाता है, और लिवर अच्छा है तो पाचन क्रिया अच्छी है, पाचन क्रिया अच्छी है तो आपके शरीर में सही पोषक तत्व जाएंगे, और सही पोषक तत्व जाएंगे तो वाइटल बॉडी आपकी हेल्दी रहने वाली है। तो ये आपका लिवोडॉक रस है। लिवोडॉक के बाद अगर मैं बात करूं तो त्रिफला अगर उसमें हमने ऐड कर लिया, त्रिफला केवल रात में सोने से आधा घंटा पहले पी के सो जाइए, सुबह पेट साफ रहेगा, कोई कचरा नहीं रहेगा, बिल्कुल बॉडी हेल्दी रहने वाली है। तो ये लिवोडॉक एंड त्रिफला। प्लीज नेक्स्ट। अगला जो है
वो हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, दैट इज कार्डियोडॉक रस। आपने अभी मैंने हार्ट की समस्या के बारे में आपको मैंने बताया, हमारी जो हार्ट की समस्या आप देख लीजिए सबसे ज्यादा यूथ में हो रही है और पुरुषों में हार्ट की समस्या सबसे ज्यादा है। क्या होता क्या है हार्ट की समस्या? सिंपल सा समझिए कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का एक रास्ता होता है जिसको आर्टरीज बोला जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा अगर गंदगी जमा हो जाए जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं तो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे ब्लॉकेज बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाती है। तो आपका जो कार्डियोडॉक रस होता है इसमें बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, हर्ब्स पड़ते हैं जो ब्लड सप्लाई को अच्छा रखती, ब्लड फ्लो को अच्छा रखती हैं, हार्ट को हेल्दी बनाती हैं। और कार्डियोडॉक रस के साथ अर्जुन की छाल, भारत का बहुत सारे व्यक्ति अर्जुन के छाल के बारे में जानते हैं, अर्जुन के छाल का काढ़ा पीते हैं, और अर्जुन का छाल हमारे हार्ट के मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। तो हमने उसका कैप्सूल बना रखा है, अर्जुन छाल एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, जो कि आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। और यहाँ पे जितने बैठे भी हमारे पुरुष हैं, थोड़ा महिलाओं को रिजर्वेशन है हार्ट की समस्या में, पुरुष लोग को मैं बोल रहा हूँ कि आपको लगभग साल में 2-3 बार तो देखो इसको लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो हार्ट की बीमारी तय है, गारंटी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपने आंकड़े देख लिए कि वो बढ़ रहा है। प्लीज नेक्स्ट। अगली जो समस्या है उसके अगर बारे में बात करूं तो किडनी स्टोन। देखिए आजकल हमारे किडनी जो होता है, किडनी का मतलब होता है हिंदी में गुर्दा, अब गुर्दा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, किडनी समझते हैं। किडनी में क्या होता है, स्टोन जमा हो जाता है। स्टोन मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट नाम की चीज़ आपकी किडनी में जाके जमा हो जाती है, जिससे आपको पेन, दर्द, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। क्यों होता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, पानी नहीं पीना, गलत खाना खाना, दुनिया भर के कारण है। आपका जो स्टोन डॉक रस में से पाषाण वेदा नाम का एक तत्व होता है जो हमारे किडनी स्टोन को क्रश कर देता है, और धीरे धीरे जब आप उसको पानी पीते रहते हैं, प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं, तो आपकी किडनी लगभग 10-12 दिन की जो स्टोन है वो तो वैसे ही धीरे से बाहर निकल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। दिस इज स्टोन डॉक रस। प्लीज नेक्स्ट। अगली जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, आपको मैंने कैंसर के बारे में बताया था। देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बहुत बड़े लेवल पे अगर हो जाती है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन समय रहते उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैंसर का मतलब देखिए क्या होता है, आपको मैं सरल शब्दों में बता देता हूँ। हमारे शरीर में सबसे पहला जो कोई चीज़ होता है उसको हम सेल्स बोलते हैं। आपके सेल मिलके आपके बॉडी में टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके आपके बॉडी का एक अंग बनेगा, और एक अंग धीरे धीरे सारे अंगों के साथ मिलके आपके पूरे शरीर की संरचना होती है। और जब आपका एक सेल डैमेज होता है तो धीरे धीरे बॉडी के बहुत सारे सेल डैमेज होंगे और वो भी धीरे धीरे ट्यूमर, गांठें, कैंसर जैसी समस्या को उत्पन्न कर देते हैं। आपका जो ये क्लोरोडॉक रस होता है ये आपके ब्लड को साफ कर देता है, और जब आपका ब्लड साफ रहता है तो सेल्स को खाना सही मिलता है तो डैमेज नहीं होंगे, और जब डैमेज नहीं होंगे तो कैंसर ट्यूमर की समस्या कहाँ से आ गई। क्लोरोडॉक के साथ अगर मैं बात करूँ व्हीट ग्रास एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके सेल डैमेज को रोक सकता है। और इसके बाद अभी मैं कुछ देर बाद आपको शॉर्ट 30 भी बताऊंगा जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपके कैंसर को रोकने में मदद करने, हेल्प करते हैं। प्लीज नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं थायराइड। यहाँ पे जितनी भी हमारी महिलाएं, माता बहनें बैठी होंगी उन सभी को पता है कि थायराइड उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और देखिए थायराइड अगर आपको समझना है क्या होता है तो बस ये 2 फिंगर अपने गले के पास रख लीजिए। यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से आपके शरीर में 2 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिसका नाम T3 और T4 होता है। अगर ये आपस में संतुलन में नहीं है मतलब थायराइड की समस्या हो गई। आपने देखा होगा किसी का बॉडी सूज जाता है, किसी का कम हो जाता है, कोई चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी का वेट बढ़ जाता है, थायराइड की समस्या। अपने पास थायराइड को कंट्रोल करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है थायडॉक वाहिकवार, जो आपके थायराइड हार्मोन को संतुलित करके रखता है। और लोग थोड़ा सा इसको गलत समझ लेते हैं, थायराइड हार्मोन तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक आपके शरीर में सही पोषण यानी न्यूट्रिशन ना जाए, जैसे कैल्शियम, आयरन। तो उसके लिए हम लोगों ने मल्टीविटामिन डेली और B12 जैसे प्रोडक्ट अगर इसको ऐड करके आप लीजिए, थायराइड 100% कंट्रोल रहने वाला है। प्लीज नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं एलर्जी। जितने भी लोग बाहर से आए हैं, आप जब घर जाओगे तो थोड़ी बहुत खांसी, जुकाम, सर्दी होगी। अब हम लोग दिल्ली वाले हैं, आदत पड़ गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप लोग को होगी, मतलब थोड़ा बहुत प्रदूषण से एलर्जी हो गई है। एलर्जी भी आपकी 2 तरह की, एक बार खांसी, जुकाम, सर्दी होती रहती है, इस तरह की एलर्जी है, और दूसरी एलर्जी होती है आपकी त्वचा की एलर्जी। तो अगर किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी की एलर्जी है, एलर्जी डॉक प्रोडक्ट है दे दीजिए, साथ में तुलसी ऐड कर दीजिएगा, उनकी एलर्जी में थोड़ी उनको राहत मिल जाएगी।
अगर उनको त्वचा की एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, तो उसके लिए अपने पास एलर्जी डॉक है और एलर्जी डॉक के साथ अपना क्लोरोडॉक ऐड कर दीजिए। क्लोरोडॉक उनके ब्लड को साफ कर देगा, स्किन एलर्जी अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएगी। प्लीज नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करेंगे एस्थमा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पूरी दुनिया में एस्थमा से जितने लोग मरते हैं उसका 42% हिस्सा हमारे भारत के लोग होते हैं। तो मतलब एस्थमा जो है हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और एस्थमा अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, ठीक कर सकता है, तो उसका समाधान हमारे आयुर्वेद के पास है। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इम्यूनोडॉक है, और कफ डॉक की बात करूं जो हमारे फेफड़े को अच्छा रखता है, सांसों की समस्या को दूर करता है, खांसी जुकाम सर्दी सब में काम आ जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका एलर्जी डॉक है, तुलसी है। अगर ये चारों कॉम्बिनेशन हमने ऐड कर दिया तो हमारे लिए एस्थमा में ये सबसे ज़्यादा कारगर होता है। प्लीज़ नेक्स्ट। अगले प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आज बहुत बड़ी समस्या है पाइल्स, जिसको हिंदी में आप लोग बवासीर बोलते हैं। देखिए पाइल्स होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी पाचन क्रिया खराब हो गई है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपको पाइल्स हो जाता है। तो अगर हमें पाइल्स को ठीक रखना है, पाइल्स दूर रखना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बॉडी में थोड़ी फाइबर हो। उसके लिए अपने पास एलोवेरा सिरप है, सुबह शाम खाली पेट लिया कीजिए, फाइबर मेंटेन रहेगा, कोई पेट की समस्या ज़्यादा नहीं होगी। उसके साथ अच्छी पाचन क्रिया जरूरी है, तो डिजी डॉग पाउडर होता है जो आपकी पाचन क्रिया को अच्छा कर देता है, जिससे खाना पचाने में आसानी हो जाती है और पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो उतनी ज़्यादा कोई समस्या आने वाली नहीं है। और साथ में अपना टाइलोडॉक रस ऐड कर दीजिए, पाइल्स में जो भी दर्द सूजन जलन रहता है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये पाइल्स के लिए हो गया। प्लीज नेक्स्ट। उसके बाद फीवर, बुखार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बुखार जब होता है तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, दो तीन गोली खा लेते हैं, हमें